नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स एक्सक्लूसिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, यह है हमारी क्लास नंबर 59th है, जिसमें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नंबर सेकेंड। सो फ्रेंड, पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे। उसके अलावा गिल्स से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे वो हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में डिस्कस कर लिए थे। पार्ट नंबर सेकेंड में हम डिस्कस करेंगे एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जिसका बेसिक हमने कहां पे डिस्कस किया था, लेसन नंबर 30 में। तो वहां पे आप बेसिक जान सकते हैं और यहां पे हम उसको थोड़ा सा और एडवांस लेवल में पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन हम इस लेसन में पढ़ेंगे, यानी कि पार्ट नंबर सेकेंड में। और उसके अलावा लंग्स से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट बनते हैं सारे के सारे हम इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, बिल्कुल छोटा सा। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन है आपके लिए और कमेंट्स में आपको आंसर करना है। क्लियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मैं आपको यहां पे भी बता देता हूं, bit.ly/ZOOLOGYREZ। आर बड़ा रखना है और बाकी सारे लेटर छोटे। जस्ट क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है और सबमिट कर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो चलिए फिर इस लेसन को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, माइसेल्फ धीरज शर्मा एंड आई एम टीचिंग सिंस मई 2017 एंड दिस इज जूलॉजी ऑप्शनल कोर्स एंड आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट दिस। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फ्रेंड्स, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की अगर मैं बात करूं तो बेसिक बेसिक हमने पढ़ लिया था। कहां पे पढ़ा था? लेसन नंबर ध्यान है किसी को, 30 में। क्लियर। अब वहां पे हमने क्या क्या पढ़ा था थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं, है ना, जिससे कि आपको थोड़ा सा रिलेट करने में आसानी हो जाए। वहां पे हमने क्या क्या पढ़ा था? डेंट्रेटिक ऑर्गन्स, है ना, लैब्रिंथिक ऑर्गन्स, न्यूमेटिक सैक, एयर चैम्बर और बकोफेरिंजियल एपिथिलियम, इंटेग्यूमेंट, गट एपिथिलियम, है ना, ये सब पढ़ा था। अब अगर मैं बात करूं कि एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते क्या है, है ना, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास मोबाइल में दो सिम है ना, एक आपने रिजर्व रखी हुई है, बाय चांस अगर दूसरी सिम का नेटवर्क नहीं आ रहा है तो फर्स्ट वाली काम करेगी, फर्स्ट वाली का नेटवर्क नहीं आ रहा है तो सेकेंड वाली काम कर रही होगी। एज ए रिजर्व आपने रखा, मतलब एक्स्ट्रा रखा हुआ है ना। अब मान लेते हैं कि बहुत बार क्या होता है कि लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, गिल्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, या फिर इनकी फंक्शनलिटी कम हो गई, ये इन्होंने काम करना बंद कर दिया। अब जो आपके पास दूसरे कुछ ऑर्गन्स हैं जो एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन वर्क करेंगे, जैसे कि स्किन है, स्किन मैंने बताया था, कहाँ पे बताया था? फ्रॉग के केस में बताया था, है ना, थोड़ी सी मॉइस्ट मॉइस्ट होती है। और इसका एग्जाम्पल मैंने बिल्कुल आपको वहां पे बताया था जब हम फ्रॉग डिस्कस कर रहे थे। उसके अलावा एयर ब्लैडर कह लीजिए, स्विम ब्लैडर कह लीजिए, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एपिथेलियल लाइनिंग भी डिस्कस करेंगे थोड़ी सी डिटेल के अंदर। और जो डाइवर्टिकुला है, दो तरह का होता है, क्या क्या नाम है उनके जरा बता दीजिए मुझे कमेंट्स के द्वारा, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, है ना। सारे के सारे कंसेप्ट मैं क्लियर करूंगा एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड, और काफी डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। ओके, अगर बेसिक जानना है तो क्लास नंबर 30 को आप फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब सबसे पहले अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? देखिए, जो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर आप कह सकते हैं चीफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, क्या होता है भाई? गिल्स, है ना, बिल्कुल सही है। और एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स होते कौन कौन से हैं, जैसे कि फिश हो गया, है ना, उसके अलावा एक्वेटिक यूरोडेल्स हो गया। अब अगर लैंड वर्टिब्रेट्स की हम बात करें तो उनके लिए क्या चीफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, सभी को पता है ना, लंग्स। क्लियर, रेस्पिरेशन करते हैं लंग्स के द्वारा, ये हमने पिछले वाले लेसन में डिस्कस किया था, मैकेनिज्म भी डिस्कस की थी पिछले वाले लेसन में, है ना, आपने अटेंड किया होगा। सो फ्रेंड, अब इसके अलावा जो बचते हैं, यानी कि
देर आर अदर एसेसरी स्ट्रक्चर फॉर रेस्पिरेशन लाइक इज स्किन हो गया है ना, ये सारी चीजें मैं आपको यहां पे बताऊंगा। ओके अब पहला कंसेप्ट स्किन का ही आता है। सो फ्रेंड एज यू नो सम फिशेस आर एबल टू सर्वाइव आउटसाइड वाटर। अब आपने बचपन में एक कविता सुनाई जाती थी हमें, नानी सुनाती होगी, दादी सुनाती होगी, आपकी मम्मी सुनाती होगी, आपके पापा सुनाते होंगे है ना, क्या बोलते थे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो मर जाएगी है ना। अब देखिए यहां पे कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हुआ, क्या सम फिशेस आर एबल टू सर्वाइव आउटसाइड वाटर, यहां पे तो वो स्टोरी बिल्कुल खत्म हो गई है ना। अब उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, कौन कौन सी फिशेज पानी के बाहर भी सर्वाइव करेगी और कैसे करेगी है ना। यहां पे हमारे लिए मैटर करता है कौन कौन सी करेंगी और कैसे करेंगी है ना, तो वो कंसेप्ट हम यहां पे जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉमन ईल्स एंगुला क्लियर कैन ट्रेवल रिंगलिंग ऑन डैम्प ग्रास थ्रू इट हैज नो स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन बट इट हैज वेस्कुलर एरिया इन द स्किन। अभी जो वेस्कुलर एरिया है इसका काम क्या है, क्या करेगा इसके द्वारा, कुछ समझ में आया यहां पे, कुछ कंसेप्ट रिलेट कर पा रहे हैं, इसके द्वारा क्या होगा, ब्रीदिंग होगी कहां कहां पे, वाटर में भी और लैंड पे भी। अब इसी वजह से ये पानी के बाहर भी सर्वाइव कर पाएगी क्लियर। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, देयर इज एन ओपनिंग ऑफ एन ऑपरकुलम। अब जो ऑपरकुलम की जो ओपनिंग है वो कैसी है, कैसी है भाई, स्मॉल है ना, और उसके अलावा राउंडेड है, क्लियर है, सो दैट द ईल कैन रिटेन वॉटर इन द, कहां पे रिटेन करेगी वॉटर को, इन द ब्रेंकियल चैम्बर क्लियर, और उसके बाद कहां पे जाएगी, लैंड पे जाएगी और डेफिनेट सी बात है कि सर्वाइव कर पाएगी है ना। तो ये कंसेप्ट हो गया किसका, ईल और एंगुला। ओके दोनों सिमिलर हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आप कह सकते हैं इनके अंदर, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ओके अब अगर एम्फीबियंस की बात करें है ना, तो एम्फीबियंस में क्या होता है, देयर इज ए मॉइस्ट स्किन एंड मॉइस्ट स्किन इज हाईली वेस्कुलर इन नेचर क्लियर। अब देखिए जो लंगलेस स्लेमेंडर्स हैं, अब लंगलेस स्लेमेंडर का अगर आपको स्पेसिफिक नेम लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ध्यान है किसी को, इसको आप क्या कह सकते हैं, प्लीथोडोंट्स क्लियर, PLETHODONTS ओके प्लीथोडोंट्स दैट रेस्पायर ओनली थ्रू द स्किन। अब देखिए यहां पे अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ के आया होगा है ना, कि यार ये स्किन के द्वारा ही रेस्पायर क्यों करता है, क्या यहां पे लंग्स नहीं है, क्या यहां पे वो चीजें नहीं है, क्या नहीं है, है ना, ये क्यों स्किन के द्वारा ही रेस्पायर करता है। फ्रेंड्स इसकी जो लार्वल स्टेज होती है ना, वहां पे ये क्या करता है, गिल्स को लूज कर देता है क्लियर, गिल्स वहां पे चले गए इसके, कौन सी स्टेज पे जाएंगे वो क्वेश्चन आएगा क्लियर, कौन सी स्टेज पे जाएंगे बताइए जल्दी, मेटामॉर्फोसिस के समय क्लियर, मेटामॉर्फोसिस के समय जो गिल्स हैं वो लॉस्ट हो जाएंगे। ओके एंड फ्रेंड्स अब अगर एडल्ट स्टेज की हम बात करें तो वहां पे क्या होगा, लंग्स जो हैं वो डेवलप नहीं होंगे। ओके ये डेवलप नहीं हो पाएंगे, गिल्स खत्म हो गए तो बेचारा क्या करेगा, स्किन के द्वारा ही रेस्पायर करेगा है ना। चलिए सो फ्रेंड अफ्रीकन मेल हेयरी फ्रॉग जिसको आप क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये देखिए एस्टाइलोट्रिनस हैव वेस्कुलर हेयरी क्यूटेनियस आउटग्रोथ दैट एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी सरफेस। मतलब
कुछ भी हो, अगर एक चीज नहीं है तो दूसरी आपके पास अवेलेबल होगी, मतलब जुगाड़ मिलेगा ही मिलेगा। ओके चलिए, सो कंसेप्ट यहां पे क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? देखिए, गिल्स खत्म हो गए, लंग्स थे नहीं, इसीलिए स्किन के द्वारा रेस्पायर किया, समझ में आ गया कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। अब फ्रेंड्स यहां पे एक छोटा सा पॉइंट ये है, पेरियोथैलमस। पेरियोथैलमस को हम क्या बोलते हैं, पता है किसी को? पता है किसी को? इसको हम मड स्कीपर भी बोलते हैं। ओके, मड स्कीपर। ओके, कंसेप्ट क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, वेस्कुलर कॉडल फिन ऑफ मड स्कीपर एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन ड्यूरिंग द सबमर्जेंस। ओके, एंड इन द मड स्कीपर पेरियोथैलमस ऑफ द इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन द कोडल फिन इज हाईली वेस्कुलर। क्लियर? अब यहां पे क्या होगा, द हेड एंड ट्रंक ऑफ द फिश प्रोजेक्ट अबाउट द वॉटर वेन इट पर्च ऑन द रॉक एंड ओनली द कोडल फिन रिमेन्स सबमर्ज एंड एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्लियर है? क्लियर है स्किन से रिलेटेड कंसेप्ट, है ना? सो ये सिर्फ शुरुआत है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड। ओके, ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है और यहां पे मैं काफी डिटेल में डिस्कस भी करूंगा। अगर कहीं पे नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स के द्वारा आप मुझे तुरंत बता सकते हैं। ओके, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है वेबसाइट पे जाएंगे तो। ओके, सो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो पढ़ते हैं फ्रेंड्स। स्विम ब्लेडर्स आप सभी को पता है क्या होता है, क्योंकि एयर ब्लेडर हमने पढ़ा है ना? तो दोनों को आप रिलेट कर पा रहे हैं और आप दोनों को सेम भी कह सकते हैं। ओके, अब एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली है क्या। और पिछले वाले लेसन में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ये कहाँ पे लोकेटेड है ना? इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस की थी ना? चलिए, अब यहाँ पे एक शब्द आता है डायवर्टिकुलम, इसको भी डिस्कस करेंगे। और डायवर्टिकुला क्या होता है, कितने तरह का होता है, चलिए सारी चीजें बताऊंगा। ओके, पहले एक छोटा सा कंसेप्ट ले लेते हैं और उसके बाद आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, सो फ्रेंड, स्विम ब्लेडर की अगर मैं बात करूं या फिर एयर ब्लेडर की मैं बात करूं, इट अराइजेज एज ए डायवर्टिकुलम फ्रॉम द फेरिंग्स और ऑयसोफेगस इन द बोनिफिसेस। क्लियर है? अब देखिए, इट यूजुअली लाइज बिलो और यू कैन से लेटरल टू द वर्टिब्रल कॉलम आउटसाइड द सीलोम और यू कैन से कॉयलम ऑल्सो, है ना? अब देखिए, ये तो हो गया यूजुअली। ये जो शब्द है ना, इसको पकड़िए, यूजुअली क्यों लिखा है, क्योंकि ये ओरिजिनली कैसा होता है, इट ओरिजिनली लेटरल इन पोजिशन बट इट बिकेम्स डोसल। ओके, लेटरल होता है और फिर डोसल में चला जाता है। ओके, इसके पीछे का रीजन क्या है, पिछले वाले लेसन में थोड़ा सा मैंने बताया था। ओके, यहां पे भी आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, वर्टिब्रल कॉलम सभी को पता है, सिलोम सभी को पता है ना? अब ये जो डायवर्टिकुलम है, डायवर्टिकुलम और डायवर्टिकुला, अब डायवर्टिकुला दो तरह का है ना? क्या क्या नाम है, चलिए सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, है ना? समय आने दीजिए, इसी लेसन के अंदर डिस्कस कर लेंगे फ्रेंड्स। यहां पे एक फिश बता देता हूं, इंडियन क्लाइंबिंग पर्च, जिसका नाम क्या है, एनाबस स्केंडन्स, लिख लीजिए, ANABAS, एनाबस स्केंडन्स, SCANDENS। ओके, अब यहां पे होता क्या है, इट हैज स्पेशल एयर चैम्बर अबाउ द गिल्स। देखिए यहां पे ये जो लेबलिंग है ना, पहले इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, क्या क्या प्रेजेंट है, नोस्ट्रिल है, आईज है, माउथ है, गिल्स भी है, पेक्टोरल फिन्स भी है, एयर चैम्बर भी है और लैब्रिंथी फॉर्म ऑर्गन है। अब ये जो लैब्रिंथी फॉर्म ऑर्गन है, यहां से एक शब्द निकल के आता है लैब्रिंथ, है
है ना। लेबरिंथ क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। अब ये जो पेक्टोरल फिन्स है, पेक्टोरल फिन्स आप सभी को पता है ना, फिश वाले लेसन में हमने डिस्कस किया था, और भी बहुत सारे टाइप है फिन्स के, तो वो हमने वहां पे डिस्कस कर लिए थे, यहाँ पे दोबारा डिस्कस करने की शायद जरूरत नहीं है। अब देखिए जो ये जो एनाबस स्केंडेंस है, इसमें क्या बताया, इट हैज ए स्पेशल एयर चैम्बर अबाउ द गिल्स। ये रहे आपके गिल्स और ये रहा एयर चैम्बर। ओके, कंसेप्ट रिलेट कर पा रहे हैं, है ना। अब यहां पे ये जो गिल है, यहां पे और क्या होता है, थ्री कंसेंट्रिकली फोल्डेड बोनी लैमिना। ओके, अब ये जो बोनी लैमिना है जिसको आप क्या बोलेंगे, लैब्रिंथी फॉर्म ऑर्गन। ओके, ये रहा आपका लैब्रिंथी फॉर्म ऑर्गन, थ्री फोल्डेड है, थ्री कंसेंट्रिकली फोल्डेड बोनी लैमिना, दैट्स कॉल्ड लैब्रिंथी फॉर्म ऑर्गन एंड आर डेवलप्ड फ्रॉम द, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम द एपीब्रेंकियल बोन ऑन ईच साइड। क्लियर, एंड देयर कवरिंग वेस्कुलर म्यूकोसा मेम्ब्रेन ब्रिंग्स अबाउट रेस्पिरेशन। ओके ओके, चलिए अब फ्रेंड्स, जो एनाबस है इट इज सो डिपेंडेंट ऑन एयर दैट इवन इन वॉटर इट कम्स टू द सर्फेस टू गल्प एयर। ओके, ये इसका आप कह सकते हैं एक्सक्लूसिव फीचर है इसका। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे क्या कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लेते कोई भगवान का भक्त है, है ना, और वो रोजाना मंदिर में जाता है, एक दिन उसको अचानक से काम आ गया, तो वो बिना पूजा पाठ किए तो कुछ करेगा नहीं, है ना, तो वो घर पे बैठ के ही पूजा पाठ कर लेगा। तो इसी तरीके से ये जो एनाबस है, एनाबस स्केंडेंस, इट इज सो डिपेंडेंट ऑन एयर, और आप भी एयर पे डिपेंडेंट है ना, बिना वायु के तो आप नहीं रह सकते हैं। अब ये पानी में भी होती है, तो उस समय भी इसको क्या करना पड़ता है, सरफेस पे आती है, किस लिए, एयर के लिए, टू गल्प द एयर, एंड इट इज एस्फिक्सिएटेड इफ प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग सो। क्लियर, अब मान लेते हैं जो एग्जाम्पल मैंने दिया था मंदिर और भगवान के भक्त का, अब अगर उनको रोका जाए तो वो क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, है ना, तो उसी तरीके से ये भी मतलब इसकी डेथ भी हो सकती है। ओके, सो फ्रेंड्स, इट कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड ऑन लैंड एंड मेक एक्सक्रूजन बाय मीनिंग ऑफ इट्स मेनी लॉन्ग स्पाइन्स ऑन द ऑपोकुलम एंड वेंट्रल फिन्स। अब यहां पे ये कंसेप्ट समझने वाला है, क्या समझने वाला है इसके अंदर, कि ये लंबे समय तक लैंड पे रह सकती है, क्योंकि ये फुल्ली डिपेंडेंट तो नहीं कहेंगे, पार्शियली डिपेंडेंट या फिर पार्शियली से फुल्ली की तरफ थोड़ा ज्यादा, है ना, डिपेंडेंट है किस पे, एयर पे। ओके, सो इसीलिए ये सरफेस पे भी आती है एयर लेने के लिए। अब देखिए, अब अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करें, ऑफियोसिफेलस, there is an accessory branchial cavity on each side above the gills. यहाँ पे ये इतना ही concept बहुत है। Okay? अब अगर आपसे swim bladder के बारे में पूछा जाए, तो anabas scandens के बारे में आप लिखेंगे, labyrinthiform organs क्या होते हैं, ठीक है, और ये किस तरीके से, मतलब ये कहाँ से development इनका होगा। Okay? और डायवर्टिकुलम के दो पार्ट अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, और ये जो स्विम ब्लेडर है वो कहां से अराइज होगा, आपको बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। ओके, इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन डिमांड करता है तो डेफिनेटली आप लिख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट अपने पास आ जाता है, डायवर्टिकुलम से रिलेटेड ही कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं ना, एक पार्ट उसका और एक पार्ट थोड़ी से समय में डिस्कस करेंगे। ओके, सो फ्रेंड, पहला पार्ट है अपने पास फेरिंजियल डायवर्टिकुला। फ्रेंड्स, डायवर्टिकुला के दो पार्ट थे, पहला फेरिंजियल, दूसरा ब्रेंकियल।
फ्रेंजियल के अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको पकड़ना है यहाँ पे, उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। और जो ब्रेंकियल डायवर्टिकुला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे दो डायग्राम भी हम डिस्कस करेंगे, है ना, उन डायग्राम के द्वारा आप अच्छे से समझ पाएंगे उसको। अब देखिए, अगर आपके पास कोई एक चीज एब्सेंट है तो भगवान ने उसका दूसरा अल्टरनेट दिया होगा, है ना, उसका कहीं ना कहीं जुगाड़ बना के जरूर भेजा होगा। तो अब एक इंडियन स्पीसीज है किसकी, ईल की, जिसके पास जो गिल्स हैं वो कैसे हैं, पुअरली डेवलप्ड कह सकते हैं या फिर अनडेवलप्ड कह सकते हैं। बट यहां पे क्या है, ईच साइड पे यानी कि बॉडी की जो दोनों साइड हैं वहां पे क्या होगा, वेस्कुलर सैक प्रेजेंट होगा एज एन आउटग्रोथ ऑफ द फेरिंग्स, क्लियर, एंड विच ओपन्स एंटीरियरली इनटू द फर्स्ट गिल क्लेफ्ट। गिल क्लेफ्ट आपको पता है, है ना, ये कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया था। अब देखिए कंसेप्ट क्या था यहां पे पकड़ने वाला, वेस्कुलर सैक, ठीक है, गिल्स एब्सेंट है लेकिन लेकिन क्या वेस्कुलर सैक तो प्रेजेंट है, है ना, तो ये हो गया जुगाड़। ओके, अब ये जो वेस्कुलर सैक है क्या काम आएगा, सोचिए जरा, गिल क्या काम आते हैं, रेस्पिरेशन के, तो सीधी सी बात है ये भी एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन वर्क करेगा, है ना, समझ में आ गया, है ना, यही कंसेप्ट यहां पे पकड़ने वाला था। अब अगर बात करें एपिथेलियल लाइनिंग की, ये भी एज ए एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, है ना, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं एआरओ। ओके, अब यहां पे एक स्पीसीज है लॉच मिसगर्नस, यहां पे क्या होगा, दैट स्वेलो एयर विच पासिस थ्रू द इंटेस्टाइन एंड इज वॉइडेड बाय द एनस। ओके, अब देखिए यहां पे क्या प्रेजेंट है, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो कि हाईली वेस्कुलर है। सो आप कह सकते हैं द हाईली वेस्कुलर म्यूकस मेम्ब्रेन एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। अब क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि ऑक्सीजन और एयर में क्या डिफरेंस है, है ना, ये क्वेश्चन यार 10वीं 11वीं 12वीं में क्लियर हो जाते हैं, है ना, एयर इज ए मिक्सर ऑफ गैसेस और ऑक्सीजन एक सेपरेट है, है ना, ये अलग ही ब्रांड है। ओके, अब देखिए ऑक्सीजन तो चलिए अंदर आ गई लेकिन अब निकलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, रेस्पिरेशन में यही तो था मैकेनिज्म, भी यही हमने डिस्कस किया था कि भी ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, प्लांट के केस में उल्टा हो जाएगा, है ना, तो यहां पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो पास थ्रू द एनस, है ना। अब इसके लिए क्या होगा, अब जो गैसियस इंटरचेंज होगा O2 और किसका, CO2 का, इसके लिए क्या जरूरी होगा, देयर मे बी अदर स्पेशल ऑर्गन्स जरूरी होंगे ना, सो दैट इज एपिथेलियल लाइनिंग। समझ में आ गया, है ना, कोई डाउट तो नहीं रहा ना, चलिए बड़ी अच्छी बात है। सो फ्रेंड अब अगर बात करें किसकी, किसकी, कैलिक्थस की। फ्रेंड्स इन कैलिक्थस रेक्टल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, और यहां पे क्या होगा, जो रेक्टम है इट इज हाईली वेस्कुलर, जिसमें क्या होगा, वॉटर जो है वो पंप इन होगा और पंप आउट होगा। ओके, और आपको पता है फिश का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, वहां पे डिस्कस किया था कि मछली पानी में ही कैसे रह जाती है, है ना, ऑक्सीजन तो आती नहीं है। अब आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, है ना, तो यहां पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, है ना, तो ये इसको ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन ले लेती है। तो इसी तरह से जो कैलिक्थस रेक्टल है दैट रेस्पिरेशन इन विच रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, और जो रेक्टम है वो हाईली वेस्कुलर है इसके अंदर, जिसके द्वारा क्या होगा, वॉटर जो है वो पंप इन होगा और पंप आउट होगा। ओके, अब इसी कंसेप्ट को अगर मैं बीओडी से रिलेट कर दूं,
तो फिर ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में चला जाएगा, है ना। हम वहां पे उस यूनिट में ही ये डिस्कस कर लेंगे बीओडी वाला कंसेप्ट, ओके। यहाँ पे नहीं तो फिर सारा का सारा आप बोलेंगे कि थोड़ा सा क्या बोलते हैं, घोच पोच हो गया, है ना, मिक्सअप हो गया, पाइल अप हो गया, ये सारा कुछ आप बोल सकते हैं। सो फ्रेंड, अब अपने पास सेकेंड पार्ट आता है डायवर्टिकुला का, दैट इज ब्रेंकियल डायवर्टिकुला। बेसिक तो आपने पढ़ लिया होगा कहाँ पे, फिश वाले लेसन में, है ना, लेसन नंबर 30 में, क्योंकि वहां पे भी हमने एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिस्कस किए थे स्पेशली फॉर फिशेस। यहाँ पे हम अदर स्पीसीज का भी डिस्कस करते जा रहे हैं, ओके। चलिए फिर फ्रेंड्स, ब्रेंकियल डायवर्टिकुला की अगर हम बात करें, सो आपको दो फिशेस दिखाई दे रही हैं, क्या दोनों अलग-अलग हैं या फिर दोनों सेम हैं? देखिए, दोनों कैटफिश हैं, ओके। पहली तो है इंडियन कैटफिश सेकोब्रेंकस, ओके। दूसरी वाली है कैटफिश क्लेवियस, ओके। क्लियर है? अब थोड़ा सा इनकी जो लेबलिंग है उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। नॉस्ट्रिल है, यहाँ पे भी है, माउथ है, बिल्कुल है, बाबल्स है, आईज है, गिल्स है, ये यहाँ पे भी है ना। और यहाँ पे क्या है, ब्रेंकियल चैम्बर, एयर चैम्बर, डेंड्रीफॉर्म ऑर्गन और एक्स्ट्रा ब्रेंकियल डाइवर्टिकुलम, ओके। सो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा पढ़े, है ना, मजा आएगा और काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये फ्रेंड्स। जो इंडियन कैटफिश है सेकोब्रेंकस, देर इज ए पेयर ऑफ लार्ज एयर सैक। अब ये जो लार्ज एयर सैक है इसमें क्या होगा, दैट अराइज फ्रॉम द ब्रेंकियल चैम्बर एंड एक्सटेंडिंग लेटरली बैकवर्ड इनटू द ट्रंक मसल्स, ओके। एंड दे कैन बी फिल्ड विद एयर फॉर फॉर रेस्पिरेशन। क्लियर है ना, ये छोटा सा कंसेप्ट था डायवर्टिकुलम, सॉरी ब्रेंकियल डायवर्टिकुला का, है ना। अब अगर कैटफिश क्लेरियस की बात करें, सो इट हैज ए पेयर ऑफ सुप्रा ब्रिंकियल ऑर्गन एंड ईच लाइंग ऑन वन साइड एंड डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। क्लियर? अब ये जो हाईली ब्रांच्ड एब्जॉर्बेंट ऑर्गन है, ये कैसे इसकी फॉर्मेशन होगी, दैट फॉर्म्ड फ्रॉम द सेकेंड एंड फोर्थ ब्रिंकियल आर्क। ब्रिंकियल आर्क का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, है ना, शायद जो कंपेरेटिव एनाटॉमी हमने शुरू किया था उसका फर्स्ट या सेकंड लेसन ही था, है ना, वो आप चेक कर लीजिए, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, ओके। एंड फ्रेंड्स, ए वेस्कुलर सैक ऑफ ब्रिंकियल चैम्बर व्हिच एनक्लोजेस द आबोसेंट ऑर्गन। अब एक चीज मेरे को बता दीजिए फटाक से कमेंट्स के द्वारा, ये आबोसेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं? ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, आपको कमेंट्स के द्वारा मुझे बता देना है, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, गिल फैंस सुना है आपने, कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है बताइए फटाक से, यहां पे लिख देता हूं मैं, गिल फैंस, ये कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है, सभी की नहीं, कुछ कुछ की मैं पूछ रहा हूं। दैट फॉर्म्ड बाय द कोवालेसिंग ऑफ गिल फिलामेंट्स दैट क्लोज द एंट्रांस ऑफ द सुप्रा ब्रिंकियल ऑर्गन। क्लियर है? अब देखिए, एयर जो है दैट टेकन इनटू द ऑर्गन थ्रू किसके द्वारा, थ्रू द माउथ, ओके। कंसेप्ट क्लियर है? एयर इज टेकन थ्रू द माउथ और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा, ओके। अब जो क्लेरियस है दैट कैन नॉट ओनली लिव आउटसाइड द वॉटर फॉर सेवरल आवर बट इट कैन मूव अलोंग द डैम्प ग्रास, ये इसका एक्सक्लूसिव फीचर है, वो आप नोट डाउन कर लीजिए, ओके।
क्लियर है? ऐसा ही कुछ पढ़ा था हमने स्किन वाले जो कंसेप्ट डिस्कस किया था उसके अंदर भी, है ना? सो फ्रेंड यहां पे क्या कुछ निकल के आया, देखिए एक छोटी सी लाइन में पूरा का पूरा जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमने पढ़ा ना थोड़ा सा डिटेल के अंदर, लगभग 30 मिनट्स हो गए, है ना? सो उसका एक समरी कह लीजिए, कंक्लूजन कह लीजिए, ये रहा आपका कंक्लूजन। क्लियर? एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर फाउंड जनरली इन द ट्रॉपिकल फिशेज ऑफ एम्फीबियस हैबिट एंड दे आर डिवाइसेस फॉर सस्टेनिंग लाइफ आउट ऑफ वॉटर। क्लियर? ये शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि आपके मोबाइल में दो सिम है। क्यों रखते हैं दो सिम? एक का नेटवर्क ना आए तो दूसरे का आ रहा होगा, है ना? दूसरे का नहीं आ रहा तो पहले वाले का आ रहा होगा, दोनों का नहीं आया तो फिर आपकी किस्मत खराब है। ओके चलिए, सो फ्रेंड एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन फिनिश, पूरा समझ में आ गया है ना? मेन मोटिव क्या है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का समझ में आ गया, कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया है और जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट थे और काफी डिटेल में हमने इनको डिस्कस किया है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए मुझे उम्मीद है कि आप इसको नहीं छोड़ने वाले हैं। ओके क्लियर? चले फिर आगे फ्रेंड्स, अब अपने पास आता है लंग्स। अब देखिए एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमने पढ़ा, वहां पे आप ये कह सकते हैं कि जो स्पीसीज है उसने अपना एक जुगाड़ तैयार कर लिया, है ना? कि भाई मेरे पास गिल्स हैं लेकिन बाई चांस हो सकता है कि ये गायब हो जाएं, या फिर किसी के पास नहीं है तो उसने अपना एक डिफेंस तैयार कर लिया कि मैं दूसरा एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन अपना तैयार कर लेता हूँ, कभी एमरजेंसी पड़ी तो इसको यूज कर लेंगे, है ना? अब देखिए गिल्स का कंसेप्ट क्लियर है, जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है उसका कंसेप्ट आपका क्लियर है, है ना? अब लंग्स के डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो भी किसके अंदर? किसके अंदर? एम्ब्रियो के अंदर। ओके, पांच डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पे और पांचों के पांचों इंपोर्टेंट हैं। ओके मतलब इनमें से कोई नहीं छोड़ना है आपको। फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि जो अडल्ट एम्फीबियंस है और जो सारे के सारे एमनियोट्स हैं दैट ब्रीद बाय मींस ऑफ लंग्स। ओके अब जो लंग्स हैं वो कुछ लंग फिशेज में भी प्रेजेंट है, है ना? अब देखिए यहां पे एक जो कंसेप्ट आता है लंग प्राइमोर्डियम, ये क्या होता है पता है किसी को? फ्रेंड्स एम्ब्रियो के अंदर एक होलो आउटपुसिंग होती है, दैट्स कॉल्ड द लंग प्राइमोर्डियम। क्लियर है? है ना? अब देखिए ये दोनों जो है, दोनों डायग्राम ये किससे रिलेटेड है? लंग बर्ड से। ओके चलिए इनको थोड़ा डिस्कस करें, है ना? इससे रिलेटेड थोड़ा सा कंसेप्ट लेके आते हैं। फ्रेंड्स लंग प्राइमोर्डियम कहां से अराइज होता है ये बताना है आपको। लंग प्राइमोर्डियम कहां से अराइज होता है? इट अराइजेस फ्रॉम द वेंट्रल वॉल ऑफ फेरिंग्स। वेंट्रल वॉल ऑफ फेरिंग्स। ओके क्लियर है? क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स इट ग्रोज बैकवर्ड एंड डिवाइडेड इंटू टू, दैट इज लंग बर्ड, वन इज राइट एंड वन इज लेफ्ट। क्लियर है? ये देख लीजिए यहां पे, ये राइट और ये लेफ्ट। क्लियर है? सो द अनडिवाइडेड प्रॉक्सिमल पोर्शन डेवलप्स इनटू ट्रेकिया एंड अनदर वन इज लैरिंग्स। ओके एंड ओपन्स इनटू द फेरिंग्स बाय द ग्लोटिस। ग्लोटिस आप सभी को पता है क्या होता है? ग्लोटिस कंसेप्ट डिस्कस किया था, है ना? चलिए अब आपको क्या कुछ समझ में आया यहां से, एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया लंग प्राइमोर्डियम,
कहां से अराइज होता है, किस किस में डिवाइड होगा, है ना, अनडिवाइडेड पोर्शन क्या बनेगा। ओके चलिए फ्रेंड्स, लंग बर्ड्स जो है दैट ग्रोज पोस्टीरियरली इनटू द सीलोम एंड ब्रांच, और ये जो प्रोसेस है वो आप कह सकते हैं रिपीटेटिव है, बार बार होता रहेगा। और ये जो है क्या, जो लंग बर्ड है, लंग बर्ड्स जो है वो क्या होगा, किसके द्वारा कवर होगा, पता है किसी को? इट कवर्स बाय मेसोडर्म, लिख लीजिए मेसोडर्म। क्लियर? सो फ्रेंड, ईच लंग हैज एन एंडोडर्मल लाइनिंग एंड एन आउटर विसरल पेरिटोनियम। आउटर विसरल पेरिटोनियम हमने डिस्कस किया था, यहां पे नहीं बताऊंगा उसके बारे में। ओके क्या कंसेप्ट बताया, जो दोनों लंग है, ईच लंग हैज एन एंडोडर्मल लाइनिंग एंड एन आउटर विसरल पेरिटोनियम एंड इन बिटवीन द टू मेसोडर्मल मेसेनकाइम हैविंग ब्लड एंड लिम्फ वेसल। अब देखिए क्या समझ में आया, इनर तो क्या है एंडोडर्मल लाइनिंग, आउटर क्या है विसरल पेरिटोनियम, उनके बीच में क्या है, बीच में क्या है टू मेसोडर्मल मेसेनकाइम। ओके अब जो दो मेसोडर्मल मेसेनकाइम है उसके अंदर क्या होगा, ब्लड और लिम्फ। क्लियर? क्लियर? चलिए, ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, उसके अलावा नर्व्स, ओके, उसके अलावा मसल फाइबर्स, ओके, इसके अलावा भी कुछ होगा, कनेक्टिव टिश्यू। ओके ये पांचों चीजें होंगी कहां पे, कहां पे, जो मेसोडर्मल मेसेनकाइम है, MESENCHYME, और ये दो होंगे। क्लियर? क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, जो इनर एंडोडर्मल एपिथिलियम होगी किसकी, लंग्स की, इट इज रेज्ड इनटू ए नेटवर्क ऑफ रिज, क्यों, टू इंक्रीज द वेस्कुलराइज्ड सरफेस एक्सपोज टू द एक्शन ऑफ एयर। क्लियर? अब देखिए यहां पे थोड़ा सा लेबलिंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं, क्या क्या प्रेजेंट है, स्टेम ब्रोंकाई, प्रोस्पेक्टिव लॉब्स, डायाफार्म, इंफीरियर लॉब, एल्वियोलर डक्ट, प्लूरल कैविटी, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, और ये क्या है, प्राइमरी ब्रोंकस। ओके और ये रहा आपका ग्लोटिस और ट्रेकिया। ओके समझ में आ गया, जो कंसेप्ट शुरुआत में बताया था वो लास्ट में भी जाके सेम ही है। क्लियर है? यहां पे कोई डाउट नहीं है, है ना, अगर रहता है अभी भी कोई डाउट तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। अब आपसे अगर कोई इस तरीके से पूछे कि कितनी एल्विलाई यहां पे प्रेजेंट है, ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या आंसर करेंगे, बता सकता है कोई, किसी के पास इसका आंसर है, अगर है तो मुझे बता दीजिए, नंबर ऑफ एल्विलाई कितनी है, एल्विलर डक्ट कितनी है, और ये नंबर वेरी भी कर सकता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं देना है, आपको रेंज बतानी है। ओके चलिए, डेवलपमेंट समझ में आ गया लंग्स का किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर। अब जो नेक्स्ट है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के लंग्स है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में, आपको एक बार थोड़ी सी झलक दिखा देता हूं मैं उसकी, उसके बाद उसके कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इसी लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके चलिए फ्रेंड्स, चार इमेज आपको दिखाई दे रही है यहां पे। ओके और चार के अंदर भी फिर फर्दर डिवाइडेड है। सो पहली जो इमेज है
प्रोटोपेट्रस की है ये वाली, सेकेंड नेक्ट्रस, थर्ड सिरेन, और यहाँ पे ये क्या है स्फिनोडोन, कैमिलियम, स्फिनोडोन हमने हमने पढ़ा था है ना, ये फ्रॉग के लिए है, और ये नेट्रिक्स और ये टर्टल। अब देखिए यहाँ पे ये जो लेबलिंग दी हुई है इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा है ना, आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं लेबलिंग के बेसिस पे मैं डिस्कस करूंगा सारे के सारे स्पीसीज के अंदर कैसे कैसे लंग्स है, मतलब सारे के सारे स्पीसीज से मेरा मतलब है कि भाई एविस के अंदर पूरा डिस्कस कर लिया, इनकी बर्ड्स के अंदर, मैमल्स के अंदर डिस्कस कर लिया, एम्फीबियंस के अंदर डिस्कस कर लिया, रेप्टाइल्स के अंदर डिस्कस कर लिया है ना, इस तरीके से। और जो लंग फिशेज हैं उनके कंसेप्ट भी हम यहाँ पे डिस्कस जरूर करेंगे। ओके, अब फ्रॉग के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए है ना, बाकी तो आप देख ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड है। ओके, और थोड़ा सा जूम करके भी दिखाया हुआ है, हाइड प्लेट है, इससे रिलेटेड कंसेप्ट डिस्कस हमने किया था और थोड़ा सा यहाँ पे भी बताने वाला। ओके, यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, नेटवर्क ऑफ सेप्टा। ओके, और ये क्या है भाई, पता है किसी को ये सब चीजें, ये एल्वेलाई है, स्टैक लाइक एल्वेलाई। ओके, और ये क्या है, प्लूरोपेरिटोनियम है ना, पेरिटोनियम का पॉइंट डिस्कस हुआ था कहां पे, पिछले वाली स्लाइड के अंदर। ओके, चलिए तो अब शुरू करें है ना, थोड़ा सा बोलना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स इनसे रिलेटेड एक कंसेप्ट लिख लीजिए, छोटा सा है, इन लोअर फॉर्म द लंग्स आर हॉलो बैग्स, बट जो हायर फॉर्म है वहां पे कैसा होगा, रिज इंक्रीज इन नंबर एंड यूनाइट विद वन अनदर अक्रॉस द ल्यूमन ऑफ द लंग टू कन्वर्ट इट इनटू ए सॉलिड बट स्पंजी स्ट्रक्चर विद इन्यूमरेबल एयर स्पेसेस। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर, कोई डाउट अगर हो तो मुझे बता दीजिएगा। ओके, अब अगर मेमल्स की मैं बात करूं, सो मेमल्स के अंदर क्या होगा, जो इंटरनल सरफेस एरिया है किसका, लंग्स का, वो 30 टाइम होगा किसके मुकाबले, एक्सटर्नल सरफेस एरिया जो बॉडी का है उससे। ओके, लिख लीजिए इस कंसेप्ट को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल जो सरफेस एरिया है उसका 30 टाइम होगा कौन सा, इंटरनल लंग्स का। ओके, क्या होगा, सरफेस एरिया की ही मैं बात कर रहा हूं। ओके, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स जो ओरिजिनल डक्ट होती है किसकी, लंग सैक की, किससे कनेक्टेड होती है, दैट कनेक्टिंग द फेरिंग्स टू द लंग्स बिकेम ए ट्रेकिया इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज। अब जो ट्रेकिया है वो कहां पे एब्सेंट होगा बताइए, कंसेप्ट मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ना, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ट्रेकिया कहां पे एब्सेंट होगा, एन्यूरेंस में एब्सेंट होगा, क्लियर। और जो बहुत से जो टेट्रापोड्स होंगे उनके अंदर क्या होगा, द एंटीरियर एंड ऑफ ट्रेकिया बिकेम्स मॉडिफाइड इनटू लैरिंग्स और यू कैन से साउंड बॉक्स विच ओपन्स इनटू द फेरिंग्स बाय ए ग्लोटिस। अब देखिए आपने एक चीज सोची है कभी, बारिश के मौसम में मेंढक बहुत ज्यादा होते हैं है ना, और अगर रात को बारिश हो रही हो और फिर रुक जाए बारिश तो फिर आवाजें आने लगती हैं टर 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 की है ना, तो वो मेंढक की है। और वो आवाजें कहां से आ रही है, सारा का सारा कंसेप्ट किसका है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन का, साउंड बॉक्स का है ना, या फिर कह सकते हैं लैरिंग्स का। चलिए फ्रेंड्स अब अगर इन्हीं के लोअर एंड की बात करें, सो जो ट्रेकिया है दैट डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकी एंड ईच ऑफ विच एंटर्स ए लंग, ये मैं टेट्रापोड के अंदर ही
बात कर रहा हूं। ओके चलिए, अब फ्रेंड्स ब्रोंकी का एक कंसेप्ट आ गया है ना, टू ब्रोंकी के अंदर डिवाइड हो गया ट्रेकिया है ना, और दोनों के दोनों कहां पे एंटर हो गए, लंग्स के अंदर। अब जो ब्रोंकी है द डिवाइड टू फॉर्म एन इमेंस सिस्टम ऑफ ब्रोंकियोल्स दैट कैरिंग एयर इनटू माइन्यूट बैग्स और यू कैन से एल्वेलाई। क्लियर क्लियर। अब एल्वेलाई की अगर बात करें तो एल्वेलाई क्या है, एल्वेलाई हैव वेरी थिन वॉल इन्वेस्टेड विद ब्लड कैपिलरीज एंड एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स इन द एल्वेलाई। क्लियर क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है ना यहां पे। चलिए अच्छी बात है, डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप पूछ सकते हैं। ब्रोंकी समझ में आ गया, एल्वेलाई समझ में आ गया है ना, और सारा कुछ क्लियर है आई थिंक। ट्रेकिया कहां से कैसे डिवाइड हुआ, सारा कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया। सो अब चलिए वन बाय वन एक एक ग्रुप का हम डिस्कस करेंगे लंग्स के बारे में, उसके बाद साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन डिस्कस करेंगे लास्ट में। फ्रेंड्स लंग्स का सबसे पहला कंसेप्ट अपने पास आता है पॉलीपेट्रस का और गैनोइड फिश का। अब देखिए पॉलीपेट्रस को हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं, क्या नाम है जरा सोचिएगा, पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस कर लूं उसके बाद ये नाम भी मैं आपको बताऊंगा। ओके फिर उससे रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे ना, दोनों को कोरिलेट करके पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड जो पॉलीपेट्रस है और जो गैनोइड फिश है उनके जो लंग्स है वो कैसे होंगे, दीज आर एसिमेट्रिकली एंड कनेक्टेड बाई न्यूमेटिक डक्ट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ फेरिंग्स। लंग्स एसिमेट्रिकल होंगे लेकिन न्यूमेटिक डक्ट के द्वारा कनेक्टेड होंगे कहां पे, वेंट्रल साइड ऑफ फेरिंग्स पे। ओके अब जो ब्लड है वो सप्लाई होगा कहां पे, लंग्स के पास बाय द पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर। अब जो पल्मोनरी आर्टरी है दैट इमर्ज ऑफ द सिक्स aortic arc, but unlike in the lung feces, venous blood returns to the hepatic vein. देखिए अब जो polypetrus है उसका नाम मैंने आपसे पूछा था, I think सभी को पता होगा है ना, और सभी ने सही सही comments भी कर दिया होगा। So इसका नाम है African Bichir, BICHIR, ओके? अगर किसी ने गलत कमेंट किया है तो इसको ध्यान कीजिएगा, ओके? अफ्रीकन बिचेर। फ्रेंड्स यहां पे क्या होता है, वेंट्रल लंग्स होते हैं पता है ना सभी को है ना, और पेयर्ड होते हैं, ओके? जिसके द्वारा क्या होगा, ये हेल्प करेगा रेस्पिरेशन में या फिर कह सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ड्रॉट। ठीक है ये कंसेप्ट है यहां पे। इन पॉलीपेट्रस और यू कैन से अफ्रीकन बिचेर दैट हैज पेयर्ड वेंट्रल लंग्स व्हिच एनेबल दीज टू सर्वाइव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ड्रॉट। ओके क्लियर क्लियर। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट कंसेप्ट किसका आता है, प्रोटोपेट्रस का। अब देखिए जो डिप्नोई है वो कैसी है, बाइलोब्ड है और पेयर्ड है, किसके अंदर, पॉलीपेट्रस के अंदर और लेपिडोसिरिन के अंदर। अब ये जो डिप्नोई है इसको हम क्या बोलते हैं पता है किसी को, क्वानिसाइट्स, CHOANICHTHYS, ओके? एंड फ्रेंड्स दीज आर कनेक्टेड टू द ऑइसोफेगस वाया ए न्यूमेटिक डक्ट। यहां पे पूरा का पूरा जो कंसेप्ट चलेगा ना वो न्यूमेटिक डक्ट का चलेगा, फेरिंग्स का होगा है ना, और लंग्स का तो देखिए होगा ही होगा,
कहीं पे बाइलॉब्ड होगा होगा कहीं पे मतलब बाइलॉब्ड एंड पेयर्ड होगा, ये सारा कुछ। ओके सो क्या कुछ समझ में आया यहाँ पे? प्रोटोपेट्रस को आप क्या बोलेंगे बताइए जरा फटाक से। कंसेप्ट तो फिर भी डिस्कस कर लेंगे लेकिन ये नेम आपको ध्यान रहने चाहिए। प्रोटोपेट्रस को आप कह सकते हैं अफ्रीकन लंगफिश, अफ्रीकन लंगफिश। ओके और ये जो लेपिडोसरीन है इसको साउथ अमेरिकन लंगफिश, साउथ अमेरिकन लंगफिश। ओके दोनों समझ में आ गया है ना? चलिए अब बारी आती है किसकी, नियोकेरेडस की। ये जो नियोकेरेडस है ये कहीं सुना सुना लगता है, दैट हैज ए सिंगल लंग दैट इज यूज्ड एज ए हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन। हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन क्या होता है, ध्यान है किसी को? ध्यान है किसी को बताइए जरा कमेंट्स के द्वारा। फ्रेंड्स ये कौन सी फिश है? ये भी एक लंग फिश ही है लेकिन नियोक्रेडियस, ये थोड़ा सा नाम अटपटा नहीं लगता है ना, इसको थोड़ा सिंपल करके लिखते हैं। ये है इन सिंपल लैंग्वेज ऑस्ट्रेलियन लंग फिश, लिख लीजिए ऑस्ट्रेलियन लंग फिश। ओके ये हो गया इसका क्या कॉमन नेम, क्लियर है? देखिए कुछ डिफरेंस आपको नजर आ रहा है यहां पे, ये जो है ऑस्ट्रेलियन लंग फिश यहां पे सिंगल लंग है लेकिन ये जो क्वानासाइट्स है ना, अफ्रीकन लंग फिश, साउथ अमेरिकन लंग फिश, इसके पास क्या है, बाइलॉब और पेयर्ड है। ठीक है लंग्स की मैं बात कर रहा हूं। सो ये कंसेप्ट यहां पे क्लियर? क्लियर। चलिए अब अगर टेट्रापोड की बात करें सो टेट्रापोड्स के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियोनिक लंग्स अराइजेस फ्रॉम द फेरिंजियल वॉल एज ए हॉलो मिड वेंट्रल इवेजिनेशन। इवेजिनेशन और इनवेजिनेशन में फर्क बताइए क्या होता है? ये कंसेप्ट जो डिस्कस किए हुए हैं वही आपसे कमेंट्स में पूछ रहा हूं, इवेजिनेशन और इनवेजिनेशन। ओके फ्रेंड्स दैट सब्सिक्वेंटली बिफरिकेट टू फॉर्म टू लंग्स दैट कैरी एन एनवेलप ऑफ पेरिटोनियम। समझ में आ गया यहां पे कंसेप्ट क्या निकल के आया, जो एम्ब्रियोनिक लंग है वो कहां से अराइज हुआ, फेरिंजियल वॉल एज ए हॉलो मिड वेंट्रल इवेजिनेशन। ठीक है ये कंसेप्ट है यहां पे और इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पे नहीं निकल के आया। और मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो आपको कमेंट्स के द्वारा मुझे बताना है, इवेजिनेशन और इनवेजिनेशन में क्या फर्क है। ओके चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे, एम्फीबिया वाले पे। फ्रेंड्स एम्फीबिया का जो कंसेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा सिंपल सा है, आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। देखिए जो एम्फीबियंस लंग है कैसे होते हैं है ना, यूरोडेल्स के अंदर कैसा होगा, एन्यूरेंस के अंदर कैसा होगा, पल्मोनरी वेन का क्या कंसेप्ट है, पल्मोनरी आर्टरीज का क्या कंसेप्ट है ना, सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा यहाँ पे। जो हायल का एक कंसेप्ट आया था, दो मसल्स हैं इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी है। ओके सो फ्रेंड लंग्स ऑफ एम्फीबियंस आर टू सिंपल सैक, नैरो एंड इलोंगेटेड इन यूरोडेल्स। लेकिन अगर एन्यूरेंस की बात करें तो कैसा होगा, बल्बस। ओके दैट एनक्लोज्ड इन ए सिंगल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन एंड सप्लाइड बाय द पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन अब पल्मोनरी वेन का काम क्या है, दैट इज ड्रेन्ड बाय द पल्मोनरी वेन। कंसेप्ट क्लियर है ना? देखिए लंग की दो बर्ड्स थी, कौन कौन सी, एक तो थी लेफ्ट और दूसरी राइट। ओके अब यहां पे लेफ्ट लंग की बात करते हैं, किसके अंदर, किसके अंदर बात करें भाई, जो लिंब लेस एम्फीबियंस है। लिंब लेस एम्फीबियंस जो है
उनके अंदर जो लेफ्ट लंग है वो कैसा होगा पता है किसी को? रूडिमेंट्री, आर यू डी आई एम ई एन टी ए आर वाई। अब रूडिमेंट्री का मीनिंग क्या होता है बताओ जरा कमेंट्स के द्वारा, है ना? बड़ा सिंपल सा वर्ड है, 9th, 10th, 11th, 12th सारा कुछ पढ़ा हुआ है। रूडिमेंट्री क्या है? रूडिमेंट्री ऑर्गन्स आपने पढ़े होंगे, है ना? सो ये रूडिमेंट्री है लिम्बलेस एम्फीबियंस के अंदर। क्या रूडिमेंट्री है? लेफ्ट लंग। ओके, सो फ्रेंड अब जो लंग्स हैं वो वेस्टिजियल हैं, किसके अंदर? किसके अंदर पता है किसी को? स्लेमेंडर्स पढ़े हैं, सभी ने पढ़े होंगे, एस ए एल ए एम ए एन डी ई आर एस। स्लेमेंडर्स के अंदर ये कैसे होंगे? वेस्टिजियल। ये छोटी छोटी टर्म है, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा यहां पे। ओके, सो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है किसके अंदर? स्लेमेंडर के अंदर। दैट इनहेबिटिंग हिल स्ट्रीम वेयर इन फास्ट फ्लोइंग वाटर बायोन्सी वुड नॉट बी ए डिजायरेबल ट्रेट। किसके अंदर? स्लेमेंडर्स के अंदर। ओके, चलिए अब जो एम्फीबियंस है दैट लैक्स रिब्स, रिब्स पता है, रिब केस आपको पता होगा, है ना? हेंस यूज फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी टू फोर्स एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। डायफ्राम आपने सुना है, रिब्स आपने सुनी है, लेकिन यहां पे जो आप कह सकते हैं ईयर, जो एयर है उसका इन एंड आउट यानी कि एक्सहेल और इनहेल किसके द्वारा होगा? फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। क्लियर है? चलिए अब फ्रॉग और टोड से रिलेटेड एक कंसेप्ट आपको बताता हूं, लिख लीजिए, फ्रॉग एंड टोड्स, मेंढक और दूसरे को क्या बोलते हैं? भुज, है ना? चलिए यहां पे क्या होगा, जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ विसरल आर्क है, कौन कौन सी? सेकंड, थर्ड और फोर्थ विसरल आर्क, वो क्या होगी? मॉडिफाई हो जाएगी। किस लिए मॉडिफाई होगी पता है किसी को ये कंसेप्ट? टू प्रोड्यूस ए प्लेट लाइक, कौन कौन सी प्लेट? हायोब्रैंकियल एपरेटस दैट लाइज इन द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी एंड इज कनेक्टेड टू द स्क्विमोसल बोन बाई पेट्रोहायल मसल। क्लियर? एंड स्टर्नम बाई द स्टर्नोहायल मसल। अब ये जो दोनों मसल है किसमें काम आती है, किस चीज को अफेक्ट करती है पता है किसी को? चलिए फ्रेंड्स, जो वन ब्रीदिंग साइकिल है कब कंप्लीट होगी? चार स्टेप में कंप्लीट होगी। किसकी बात कर रहा हूं? एन्यूरेंस की। ओके, और ये जो साइकिल है वो किसके द्वारा अफेक्ट होगी? दैट इज अफेक्टेड बाय द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ पेट्रोहायल मसल एंड स्टर्नोहायल मसल। ये ही दो इंपॉर्टेंट मसल है। ओके, देख लीजिए, जो पेट्रोहायल मसल है ये क्या कनेक्ट करेगी? ओरल कैविटी, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी एंड इज कनेक्टेड टू द स्क्वेमोसल बोन ऑफ स्कल। किसके द्वारा? पेट्रोहायल मसल, पोस्टर्नम स्टर्नोहायल मसल्स के द्वारा। इतना ही कंसेप्ट है यहां पे। ओके, चलिए क्लियर हो गया, है ना? बड़ी अच्छी बात है। अब अगर फ्रॉग की ब्रीदिंग की बात करूं, सो ब्रीदिंग इन फ्रॉग रिक्वायर मच फास्टर मूवमेंट ऑफ हायर्ड प्लेट एज कंपेयर टू द लंग्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द बकोफेरिंजियल रीजंस। क्लियर? अब देखिए, फ्रॉग के अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है ना? सुना है कहीं? स्किन वाला, स्किन के द्वारा ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऐसा कुछ बताया था मैंने इसी लेसन के अंदर, पहले भी बताया होगा,
है ना। सो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू मेजर पार्ट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी ऑफ एम्फीबियंस। दैट्स ऑल, है ना। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था और काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे ध्यान आपको क्या रखना है, ये जो सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्या थी, ये पता है किसी को क्या था भाई? विसरल आर्क। ओके, विसरल आर्क ये मॉडिफाई होगी, ठीक है। इसका कंसेप्ट आपको ध्यान जरूर रखना है, और दो मसल ध्यान रखनी, पेट्रोहायल मसल और स्टर्नोहायल मसल, कहां कहां से कैसे किसको कनेक्ट करेगी, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। साइकिल कैसे अफेक्ट होगी ब्रीदिंग की, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। रूडिमेंट्री कहां पे, वेस्टिजियल कहां पे, ये भी आपको समझ में आ गया। तो चलिए फिर नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, कहां पे? रेपेटाइल्स पे। ये जो कंसेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सिंपल है। सो फ्रेंड, यहां पे जो लंग्स हैं वो कैसे होंगे? नैरो एंड इलोंगेटेड, है ना। और जो बाकी कंसेप्ट है वो भी मैं आपके क्लियर करूंगा। और देखिए यहां पे भी जो लेफ्ट लंग है वो कैसा होगा? रूडिमेंट्री होगा। किसके अंदर? लिम्बलेस लिजर्ड और स्नेक्स के अंदर। तो चलिए फिर शुरू करें इस कंसेप्ट को, है ना। और एक टर्म आएगी आपके पास, प्लूरो पेरिटोनियल कैविटी, इससे रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट भी डिस्कस कर लेंगे। सो फ्रेंड, लंग्स आर नैरो एंड इलोंगेटेड इन स्नेक्स एंड लिजर्ड्स, एंड इट इज एक्सटेंडिंग अप टू 2/3 ऑफ द बॉडी कैविटी। बट जो क्रोकोडाइल और टर्टल है उसके अंदर ये मोर बल्बस होगा। ओके, ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। लेफ्ट लंग का मैं बता चुका हूं कि रूडिमेंट्री होगा, किसके अंदर? लिम्बलेस लिजर्ड और स्नेक्स के अंदर। क्लियर है ना ये? तो चलिए। सो फ्रेंड, यहां पे और क्या होता है? वेल फॉर्म्ड एल्वेलाई होती है, किसके अंदर? लंग्स के अंदर, विच आर हाउस्ड सिक्योरली इन ए पेयर ऑफ प्लूरोपेरिटोनियल कैविटी। समझ में आ गया? आ गया समझ में? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। फ्रेंड्स, अगर स्नेक्स एंड लिजर्ड्स की ब्रीदिंग की हम बात करें, सो इट इज कैरिड आउट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हायर्ड प्लेट, नोस्ट्रल वेल्व्स एंड रिब्स, और ओनली बाय द मूवमेंट ऑफ रिब केज। रिब केज तो सभी जानते हैं, है ना। तो ये तो ब्रीदिंग की बात होगी, किसके अंदर? स्नेक्स और लिजर्ड के अंदर। लेकिन टॉर्टोइस और टर्टल की बात करें तो क्या होगा? टॉर्टोइस एंड टर्टल मेक यूज ऑफ मसल्स सराउंडिंग पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। अब देखिए, जो नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा ना, उसको कहीं ना कहीं मैमल्स से आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर डायाफ्राम आएगा। सो क्रोकोडाइल आर द ओनली लिविंग रेपिटाइल, ये पॉइंट ध्यान रखना है, दैट पजेसेस ए मस्कुलर डायाफ्राम फॉर ब्रीदिंग एज डू द मैमल्स। ओके, मैमल्स से रिलेट हो गया ये कंसेप्ट। ये एकमात्र लिविंग रेपिटाइल है। ओके, अब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि क्रोकोडाइल और मैमल के अंदर एक सिमिलरिटी बता दीजिए। सबसे बड़ी सिमिलरिटी तो यही है, मस्कुलर डायफ्राम हमारे अंदर भी प्रेजेंट है, और ये क्या काम आता है बता दीजिए कमेंट्स के द्वारा, है ना। चलिए नेक्स्ट आता है अपने पास एविस, या फिर कह सकते हैं बर्ड्स। ओके, सो इसका भी एक इंपॉर्टेंट और काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट लिख लीजिए, रेपिटाइल्स से रिलेटेड ही। लंग्स जो है वो यहां पे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, किसके मुकाबले? किसके मुकाबले? जाहिर सी बात है, पिछले वाले ग्रुप के मुकाबले, है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती ही चली जाएगी आगे। ओके, अब देखिए, जो कुछ लीजर्ड्स होती हैं उनके पास क्या होगा? क्या होगा? डायवर्टिकुला होगा, है ना, एंड एक्सटेंडिंग पोस्टीरियरली फ्रॉम द लंग्स, दैट रिजेम्बलिंग एयर सैक ऑफ बर्ड्स। और कुछ लीजर्ड्स के पास
ब्रोंकाई होगा, और ब्रोंकाई फर्दर सब डिवाइड हो जाएगा किसके अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई है। ओके ठीक है। और ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्सिटी आगे चल के बढ़ती ही चली जाएगी, बहुत सारे ग्रुप में बहुत सारी स्पीसीज में डिक्रीज भी होगी, यानी कि सिंपल भी हो जाएगा। ओके जैसे कि बताऊंगा आगे चल के एग्जाम्पल। ओके सो बर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं पहले, यानी कि एविस। फ्रेंड्स एविस के अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, सारा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा कुछ इंपॉर्टेंट ही मैं आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट के अलावा कुछ हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करते हैं। ओके सो फ्रेंड लंग्स आर सिक्योर्ड इनटू प्लूरल कैविटी एंड एक्सटेंड इनटू मेम्ब्रेनस एयर सैक दैट ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस इन द बॉडी कैविटी एंड ऑल्सो पेनिट्रेट इनटू द बोन मैरो कैविटी। अभी जो बोन मैरो है ये क्या होती है, आपने ये कहाँ पे सुना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, किसी मूवी के अंदर सुना होगा, ऋतिक रोशन की मूवी थी, क्रिश थी शायद, है ना, क्रिश थी या फिर क्रिश थ्री थी, फादर की बोन मैरो कुछ ऐसा कंसेप्ट था वहां पे, है ना। चलिए थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा किसी भी चीज को, सो वो अच्छे से समझ में आती है। फ्रेंड्स अब देखिए सिंपल सा कंसेप्ट यही है कि बर्ड्स के अंदर जो लंग है वो कैसे होंगे, स्मॉल, क्योंकि इनका साइज स्मॉल होता है ना, उसके अलावा इनकैपेबल होंगे किसके लिए, फॉर द ग्रेट अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन। क्लियर। चलिए सो फ्रेंड ये जो आपको कंसेप्ट बताया, दिस मेक द बोन न्यूमेटिक इन बर्ड्स एंड हैव टू रिड्यूस द बॉडी वेट विच इज सो नेसेसरी इन फ्लाइट। फ्लाइट का कंसेप्ट जब हमने पढ़ा था तो ये सारा कुछ डिस्कस हो चुका है, है ना, क्या चीजें किसके अंदर किस लिए इंपॉर्टेंट है और वो क्यों प्रेजेंट है, है ना, ये इसीलिए सारा कुछ होता है, भगवान ने सब कुछ सेट करके भेजा है ना। चलिए अब देखिए यहां पे क्या होता है कि एयर सैक प्रेजेंट होते हैं, मेनली तो क्या होंगे, फाइव पेयर्स होंगे। ओके वैसे तो अगर हम बात करें तो नाइन एयर सैक प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करें तो फाइव पेयर ऑफ एयर सैक कौन कौन से होंगे, पता है किसी को, चलो बताओ फिर अगर पता है तो। देखिए पहला होता है सर्विकल, CERVICAL, पहला सर्विकल, दूसरा इंटर क्लेविकुलर, INTER, इंटर क्लेविकुलर। ओके और थर्ड की हम बात करें तो एंटीरियर थोरेसिक, एंटीरियर थोरेसिक, THORACIC, और उसके अलावा दूसरा होगा पोस्टीरियर थोरेसिक। ओके और पांचवा कौन सा हो गया, एब्डोमिनल। ओके एब्डोमिनल को तो आपको आप समझ सकते हैं कि एब्डोमिनल कहां पे होगा, है ना, सारा कुछ बताऊंगा कि कौन कौन से कहां पे प्रेजेंट होंगे एब्डोमिनल। चलिए अब जो सर्विकल है वो कहां पे प्रेजेंट होगा, एट द बेस ऑफ नेक। इंटर क्लेविकुलर दैट ऑफन यूनाइटेड अक्रॉस द मिड लाइन, है ना। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर थोरेसिक, एंटीरियर कहां पे प्लेस्ड होगा, लेटरल टू द हार्ट, पोस्टीरियर थोरेसिक विद इन द ऑब्लिक सेप्टम, और जो एब्डोमिनल है इट इज विद इन द एब्डोमिनल कैविटी। देखिए अब ये जो पांच हैं वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके अलावा बहुत बार एक्सिलरी एयर सैक भी आ जाता है। सो एक्सिलरी एयर सैक की अगर हम बात करें, AXILLARY, एक्सिलरी एयर सैक, ये जो है कहां पे प्रेजेंट होगा, नियर द पेक्टोरल मसल्स। क्लियर। सो फ्रेंड जो फ्लाइट मसल्स हैं दैट इनफ्लेट एंड डीफ्लेट द एयर सैक लाइक बेलोज,
with each stroke of wings. क्लियर है कंसेप्ट, है ना फ्रेंड्स? एक छोटा सा कंसेप्ट और लिख लीजिए, जो एयर सैक है दैट हैव नो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम एंड सर्व एसेंशियली एज रिजर्वॉयर्स, ये कंसेप्ट है यहां। ओके चलिए, अब जो एयर डक्ट सिस्टम है वो कैसा होगा? यूनिक होगा बर्ड्स के अंदर, एज देयर नो एल्वेलाई इज फाउंड इन द रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। ओके अब देखिए यहां पे ये जो है ना पूरा का पूरा फ्लो डायग्राम, ये आपको समझना है फ्रेंड्स। जो ट्रेकिया है वो क्या होगा, दैट डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकी। ओके दैट डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकी व्हिच एंटर द लंग एंड ब्रांच इनटू मेसोब्रैंकी एंड पैराब्रोंकी। क्लियर? देखिए ये मेसोब्रोंकी के अंदर डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद ये अगेन डिवाइड होगा किसके अंदर, पैराब्रोंकी के अंदर। सिंपल सा कंसेप्ट था, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ट्रेकिया से शुरू हुआ और मेसोब्रोंकी और पैराब्रोंकी पे खत्म हो गया। चलिए अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं ना, थोड़ा सा सिंपल तो हमने पढ़ लिया लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं फ्रेंड्स। फ्रॉम ईच पैराब्रोंकस बंच ऑफ एयर कैपिलरीज अराइज विच लूप बैक इनटू देयर ओन ल्यूमन टू फॉर्म एनास्टोमोसिस। ठीक है, अब जो एनास्टोमोसिस है वो क्या है, पता है किसी को? एनास्टोमिस या फिर एनास्टोमोसिस, ये हेल्प करेगा किसमें, डबल रेस्पिरेशन में। चलिए इसी कंसेप्ट को पहले डिस्कस करते हैं, DOUBLE डबल रेस्पिरेशन। अब डबल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन तो आपने सुना है लेकिन डबल रेस्पिरेशन क्या होता है, पता है किसी को? मैं बता देता हूं, रेस्पिरेशन दो बार होगी ये आपको पता लग गया नाम से ही, है ना? लेकिन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन एयर पासिस थ्रू द एयर कैपिलरी दैट इज एनास्टोमोसिस इनटू द एयर सैक एंड बैक ट्वाइस दैट मेक इट डबल रेस्पिरेशन। कंसेप्ट क्लियर? अब देखिए, अब ये जो ल्यूमन है ये क्या फॉर्म करेगा, टू फॉर्म एनास्टोमोसिस दैट इवेंचुअली लीड इनटू द एयर सैक। ओके एंड एयर कैपिलरी आर माइन्यूट एंड ओनली वन सेलुलर लेयर इज थिक एंड कंटेन रेस्पिरेटरी एपिथिलियम एंड रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। अब कंसेप्ट को रिलेट कर लीजिए इससे, समझ में आ गया डबल रेस्पिरेशन क्या है, है ना? चलिए कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके तो एविस के बाद क्या आता है, सभी को ध्यान तो है ना, क्या आता है भाई, मैमल्स। तो चलिए फिर मैमल्स डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। मैमल्स की अगर मैं बात करूं, सो जो बात मैंने आपको शुरुआत में बोली थी कि कितनी एल्वेलाई होगी वगैरह वगैरह ये सारी चीजें, है ना, सो थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके एक छोटा सा कंसेप्ट उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा, वही आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर, बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैमेलियन लंग इंक्रीज एफिशिएंसी कैसे, बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई हुज नंबर गोज अप टू द मिलियंस एंड लंग्स बिकेम ऑलमोस्ट लाइक सेमी सॉलिड स्पंज। अब इस कंसेप्ट को कैसे समझे, आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा जो धूम्रपान करते हैं, है ना, उससे रिलेटेड एक एडवर्टाइजमेंट आता था, जैसे ये एक बना दिया ग्लास, है ना, और ये आपके फेफड़े ले लिए और उसको यहाँ पे जाके निचोड़ने लग गए, है ना, और फिर इसमें क्या इकट्ठा हो जाता था, टार, है ना।
तो जस्ट एक वो स्पंज लाइक था, है ना, उसको बिल्कुल उसके अंदर जितना भी कुछ मलबा था वो सारा कुछ निकाल के ग्लास में डाल दिया, दैट्स कॉल्ड टार। लेकिन वो टार वाला कंसेप्ट छोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या समझाना था मेरे को, सेमी सॉलिड स्पंज, समझ में आ गया, है ना। इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेमी सॉलिड स्पंज विद लिटिल एम्प्टी ल्यूमन इनसाइड, ओके। एंड फ्रेंड्स, लंग्स आर एनक्लोज्ड इन डबल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। अब ये जो डबल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर देखिए क्या है, आउटर और इनर का नाम आपको बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ, है ना, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। डबल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, वन इज आउटर एंड वन इज इनर। सो पहले कौन सा बताएं, आउटर बता देते हैं ना। आउटर कौन सी है भाई, किसी को ध्यान है तो आप बता सकते हैं। पेराइटल प्लूरा, PARIETAL PLEURA, ओके। और अगर इनर की बात करें तो इनर कौन सी है, विसरल प्लूरा, VISCERAL PLEURA, ओके। फ्रेंड्स, दैट एनक्लोज द फ्लूड फील्ड प्ल्यूरो पेरिटोनियल कैविटी, ओके। देखिए डबल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, कौन कौन सी, आउटर है एक, एक इनर है, पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। दैट एनक्लोज द फ्लूड फील्ड प्ल्यूरो पेरिटोनियल कैविटी इन बिटवीन, इनके बीच में होगी, कौन सी होगी, प्ल्यूरो पेरिटोनियल कैविटी, ओके। अब नेक्स्ट कंसेप्ट यहां पे क्या निकल के आता है, ट्रेकिया से रिलेटेड एक कंसेप्ट है। फ्रेंड्स, ट्रेकिया को आप कॉमनली क्या कह सकते हैं, TRACHEA। ट्रेकिया इज कॉमनली कॉल्ड एज यू कैन से विंड पाइप, है ना। जब किसी को मृत्यु दंड दिया जाता है तो इसी विंड पाइप को बंद किया जाता है। अब ये कहां पे ओपन होता है पता है किसी को, बताओ फटाक से, सभी को ध्यान होगा, कहां पे, इट ओपन इन टू द फेरिंग्स, PHARYNX, ओके। अब फेरिंग्स के अंदर ओपन तो होगा लेकिन किसके द्वारा पता है किसी को, ग्लोटिस के द्वारा, GLOTTIS, ग्लोटिस के द्वारा, ओके। ग्लोटिस और एपिग्लोटिस में फर्क पता है आपको क्या होता है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होगा, इट इज पोस्टीरियरली डिवाइड्स इनटू टू प्राइमरी ब्रोंकी, ओके। इट इज पोस्टीरियरली डिवाइडेड इनटू टू प्राइमरी ब्रोंकी दैट एंटर्स लंग एंड ब्रांच ऑफ टू सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकी। कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, पहले प्राइमरी और फिर लंग्स के अंदर एंटर करके और फिर ब्रांच ऑफ होगा किसके अंदर, सेकेंडरी और टर्सरी के अंदर, एंड विच अल्टीमेटली लीड्स टू फाइन कैपिलरी दैट्स कॉल्ड ब्रोंकियोल्स, ओके। लिख लीजिए क्या कंसेप्ट आया निकल के यहां पे, ब्रोंकी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, BRONCHI, ये दोनों तो अंदर होंगी और ये आउटसाइड, ओके। उसके बाद क्या हुआ, ब्रोंकियोल्स, BRONCHIOLES, ओके, समझ में आ गया है ना। अब देखिए ये जो ब्रोंकियोल्स है वो किसके द्वारा कनेक्टेड होगा, इट इज कनेक्टेड टू द सेवरल एल्वुलाई बाय द एल्वुलर डक्ट, है ना। जो सारे के सारे ब्रोंकियोल्स है, इट इज कनेक्टेड टू द सेवरल एल्वुलाई बाय द एल्वुलर डक्ट, एंड द नंबर ऑफ एल्वुलाई इन ह्यूमन लंग इज एस्टिमेटेड टू अबाउट 750 मिलियन। समझ में आया कंसेप्ट, विच कलेक्टिवली कैरी एन एनॉर्मस सरफेस एरिया ऑफ अबाउट
100 मीटर स्क्वायर इफ इट इज स्ट्रेच्ड। समझ में आ गया है ना, नंबर में कितने होते हैं और सरफेस एरिया की अगर बात करें तो कितना होता है। अब एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, आउटसाइड जो बॉडी का आउटसाइड है और लंग्स का जो इनसाइड है उसका कुछ कंसेप्ट था 30x है ना, 30 गुना सरफेस एरिया। अब आप अंदाजा लगा लीजिए क्या ये कंसेप्ट सही है, 100% सही है ना, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। ओके सो फ्रेंड, अब जो मस्कुलर डायफ्राम कहां पे था, कहां पे था, क्रोकोडाइल के अंदर प्रेजेंट था। इट इज द ओनली लिविंग रेप्टाइल है ना, कंसेप्ट था ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना, भूले तो नहीं हो ना। चलिए So, आपको यही ध्यान रखना है कि क्रोकोडाइल एकमात्र ऐसा लिविंग रेप्टाइल है जिसके पास मस्कुलर डायफ्राम है, लेकिन मैमल्स के पास भी है, इसीलिए हम उसको रिलेट कर पा रहे हैं। सो फ्रेंड, ए मस्कुलर डायफ्राम लोकेटेड बिटवीन द थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी, लिख लीजिए। मस्कुलर डायफ्राम को हम MD से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। मस्कुलर डायफ्राम कहां पे लोकेटेड होता है भाई, लोकेटेड बिटवीन द थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। ओके क्लियर है, एंड मूव्स इन द एंटीरियर, और यू कैन से एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो इसको आप क्या बोलेंगे, मूव्स इन द एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन एंड फोर्स एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग। क्लियर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन आप कह सकते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। ओके सो फ्रेंड, एक्सटर्नल कोस्टल मसल एंड इंटरनल कोस्टल मसल आर अटैच्ड बिटवीन द रिब्स एंड स्टर्नम, द फॉर्मर इंक्रीज द थोरेसिक स्पेस व्हाइल द लेटर डिक्रीज इट टू कैरी आउट विच इज नोन एज द थोरेसिक रेस्पिरेशन, और इसको आप कह सकते हैं कॉमन नेम, तो चलिए छोड़ देते हैं, थोरेसिक रेस्पिरेशन से आप ध्यान रखिएगा। ओके सो समझ में आ गया थोरेसिक रेस्पिरेशन क्या है, है ना। अब अगर वेल की बात करें, सो वेल्स पजेसेस अनामस नेजल चैम्बर इन द हेड दैट कैन स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर व्हेन डाइविंग डीप इन द सी, passage of air from the nasal chamber to lungs is controlled by a pair of valves. ये simple सा concept है, इसको आप सिर्फ याद रख लीजिएगा। okay? यहाँ पे क्या कुछ important concept निकल के आते हैं, जो double peritoneum membrane है उसका concept ध्यान रखिएगा, और ये जो flow diagram हमने बनाया उसको ध्यान रखिएगा, और ये जो muscular diaphragm है इसको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, है ना, कहाँ पे ये प्रेजेंट होगा, ये सारा कुछ। फ्रेंड्स, लंग्स का कंसेप्ट क्लियर है ना, और ये कंप्लीट भी हो गया लंग्स का कंसेप्ट, लेकिन अब डिस्कस हम करेंगे क्या, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, जैसे मेंढक बोलता ना टर टर, सो उसी से रिलेटेड कंसेप्ट है, चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, लेसन के शुरुआत में मैंने आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा था कि साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कौन कौन से हैं, है ना। सो उनके नाम सिर्फ दो ही हैं, पहला आपको दिखाई दे रहा है कौन सा, लैरिंग्स, और दूसरा ट्रेकिया। अब अगर किसी में लैरिंग्स डेवलप ना हुआ हो अच्छे तरीके से तो फिर क्या, सिरिंग्स होगा वहां पे। ओके सो सेरिंग्स क्या होता है, एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं, फिर शुरू करते हैं लैरिंग्स को। ओके फ्रेंड्स, जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होते हैं लैरिंग्स और सेरिंग्स, दोनों सेम ही है ना। यहां पे क्या होगा, दीज आर एसोसिएटेड विद द ट्रेकिया,
through which air can be forced from the lung into the sound box to produce sound. दोनों जो है ना लेरिंग्स और ट्रेकिया दोनों आप ये कह सकते हैं कि एसोसिएटेड है या फिर कहें लेरिंग्स और सिरिंग्स इज एसोसिएटेड विद द ट्रेकिया और ट्रेकिया आपको पता है क्या होता है पता है ना कोई डाउट तो नहीं है उससे रिलेटेड चलिए फ्रेंड्स इसमें इंपॉर्टेंट क्या है एक आपने ब्रोंकोट्रेकियल टाइप पढ़ा है कुछ ऐसा कुछ कंसेप्ट पढ़ा है और पिजुल्स पढ़ा है आपने नहीं पढ़ा होगा है ना और चलिए पिजुल्स मैं बता दूंगा आपको कि होता क्या है ओके इस टर्म को लिख लीजिए PESSULUS ये क्या होता है डिस्कस करेंगे लास्ट में ओके पहले लैरिंग्स डिस्कस कर लेते हैं सो फ्रेंड द अपर एंड ऑफ ट्रेकिया is enlarged, especially in frogs and toads, मेंढक और भुज to form the larynx, or you can say sound box, इसको आप sound box भी कह सकते हैं in which the vocal cord are located. अब ये जो vocal cord है ना यही सारा काम करेगी okay? यही आवाजें निकालेगी टर टर मतलब कुछ भी निकाले okay? और बहुत बार आपने बारिश के मौसम में ही देखा होगा ऐसी कुछ आवाज आती है चिक 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 है ना तो वो भी कोई स्पीसीज होती होगी कोई एनिमल होता होगा है ना चलिए मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली वो होता क्या है वैसे तो हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको किसारी ओके चलिए उस चीज को छोड़ते हैं सो ये कंसेप्ट समझ में आया है ना अपर एंड ऑफ ट्रेकिया इज एनलार्ज्ड है ना ये सारा कुछ सो अब अगर बात करें किसकी नेक्ट्रस की फ्रेंड्स इन नेक्ट्रस इट इज सपोर्टेड बाय ए पेयर ऑफ लेटरल कार्टिलेज बाउंडिंग द ग्लोटिस ग्लोटिस का कंसेप्ट क्लियर है आपका दोबारा डिस्कस करने की आई थिंक जरूरत नहीं है और जो अदर एम्फीबियंस है उसके अंदर क्या होगा ईच लेटरल कार्टिलेज इज डिवाइडेड इनटू ए डोर्सल एरिंथेनोइड्स एंड ए वेंट्रल क्रिकोइड कार्टिलेज ओके क्लियर अब देखिए ये जो यहां पे आएगा ना शिरिंग्स शिरिंग्स का मैं बताऊंगा कि शिरिंग्स होता क्या है ना सो फ्रेंड जो फ्रॉग का लेरिंग्स है वो किससे बना हुआ होता है पता है किसी को क्रिकोइड कार्टिलेज सो इन फ्रॉग बोथ द क्रिकोइड फ्यूज टू फॉर्म ए कार्टिलेज इन अ रिंग एंड लेरिंग्स इज Not more developed in the reptile. ये जो पॉइंट है ना इसको पकड़ के बैठ जाइएगा क्योंकि जब लेरिंग्स वेल डेवलप नहीं होगा तो उसका एक अल्टरनेट निकल के आएगा यानी कि जुगाड़ निकल के आएगा जिसका नाम होगा सिरिंग्स सो लेरिंग्स इज नॉट साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन द बर्ड्स बट सर्व टू मॉड्यूलेट टोन दैट ओरिजिनेट इन द सिरिंग्स अब सिरिंग्स क्या है पता है किसी को सिरिंग्स क्या है ये सेकेंडरी साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है ओके सेकेंडरी साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्लियर कोई डाउट अब देखिए ठीक है सेकेंडरी साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है लेकिन कहां पे लोकेटेड होगा It is located at the junction of trachea and bronchi. Okay? अब एक टर्म लिख लीजिए फटाक से उस कंसेप्ट को फिर रिलेट करेंगे फटाफट है ना ब्रोंकोट्रेकियल टाइप ओके चलिए इसको थोड़ा सा लिखते हैं कहां पे लोकेटेड होगा अभी ट्रेकिया और ब्रोंकी के जंक्शन पे ओके अब इसी जंक्शन को हम क्या बोलेंगे ब्रोंकोट्रेकियल ओके समझ में आ गया है ना अब देखिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या निकल के आता है पिजुलस या पिजुल्स कह सकते हैं है ना ये पिजुल्स क्या है एक
टिम्पेनिक चैम्बर होता है दैट हैज ए बोनी रिज एट द बेस दैट्स कॉल्ड द फिजल्स ओके टिम्पेनिक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन सुनी है आपने कहां पे होती है बताइए जरा दिस इज टिम्पेनिक चैम्बर दैट हैज ए बोनी रिज एट द बेस दैट्स कॉल्ड फिजल एंड दैट सपोर्ट द अनपेयर्ड अनपेयर्ड मेम्ब्रेना सेमिलुनरिस अब ये क्या करता है क्या करता है ये वाइब्रेट करता है और वाइब्रेशन से क्या होगा वाइब्रेशन से क्या होगा साउंड प्रोड्यूस होगी है ना ये कंसेप्ट होता है ना जब वो ढपला लेके बैठते हैं ढोल लेके बैठते हैं है ना और बहुत सारे मृदंग मतलब पता नहीं क्या क्या जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनमें वाइब्रेशन ही तो होती है उसी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है ना चलिए सो फ्रेंड समझ में आ गया पूरा कंसेप्ट अब देखिए मैमल्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और है जो लैरिंग्स है ना मैमल्स के अंदर दैट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ एरिटिनोइड्स ये मैमल्स के अंदर भी होता है सो फ्रेंड ये जो सिरिंग्स है कहां पे प्रेजेंट था ये है क्या समझ में आ गया क्लियर है ना इन सिंपल आप कह सकते हैं इट लाइज एट द लोअर एंड ऑफ ट्रेकिया वेर इट डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकी ओके और साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन तो ये है फ्रेंड्स लैरिंग्स इज ग्रेटली डेवलप्ड इन मैमल्स यानी कि एक पॉइंट मैंने आपको बताया था बहुत सारे लेसन में बताता हुआ आ रहा हूं कि मैमल्स के पास जो भी होगा वो बेस्ट होगा ओके एंड इट्स वॉल इज सपोर्टेड बाय ए पेयर ऑफ एरिटिनोइड क्योंकि मैमल्स के पास भी एरिटिनोइड्स है एंड सिंगल क्रिकोइड एंड ए सिंगल थायराइड कार्टिलेज ऑन द वेंट्रल सरफेस एंड ग्लोटिस मे बी क्लोज एट द टाइम ऑफ swallowing of food by a flap of muscular epiglottis. आपने बहुत बार देखा होगा कि आप खाना खा रहे हैं या फिर एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा आपके किसी ने थप्पड़ लगा दिया बड़ी जोर से है ना तो आपके कान में बहुत बार सन्नाटा सा हो जाता है ना होता है सो उस कंसेप्ट को आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं ओके फूड वाले कंसेप्ट से भी रिलेट कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं फ्रेंड्स अब बात करते हैं लास्ट कंसेप्ट की इस लेसन के लास्ट कंसेप्ट की जो कि है ट्रेकिया से रिलेटेड ओके चलिए फ्रेंड्स ट्रेकिया क्या होता है आप सभी को पता है ना और आप बड़ी आसानी से बता भी पाएंगे तो चलिए फिर मुझे भी बता दीजिए कमेंट्स के द्वारा कि होता क्या है अब देखिए ट्रेकिया की बात करें एन्यूरा के अंदर तो कैसा होगा एक्सट्रीमली शॉर्ट और एबसेंट भी हो सकता and it is emerged with the larynx to form laryngotracheal chamber simple si baat hai larynx plus trachea that is called laryngotracheal chamber ab jo bahut sare chordate amphibians hain that possesses a short trachea it is supported by the cartilage hai na aur trachea reptiles ke andar kaisa hoga jaisa amphibians ke andar tha waisa hi hoga कैसा सिंपल या फिर कह सकते हैं स्मॉल है ना लेकिन जो लॉन्ग नेक्ड रेपिटाइल्स है उसके अंदर ट्रेकिया कैसा होगा लॉन्ग फॉर एग्जांपल टर्टल टर्टल के अंदर कैसा है ट्रेकिया इज लॉन्ग एंड कॉन्वोल्यूटेड ओके सो फ्रेंड ट्रेकियल कार्टिलेज आर समटाइम इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट रिंग ऐसा किसके अंदर होता है पता है किसी को बताओ अगर पता है तो अगर नहीं पता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ओके सो बर्ड्स की बात करें बर्ड्स के अंदर क्या है ट्रेकिया इज लॉन्ग देखिए धीरे 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 साइज जो है वो इंक्रीज होता हुआ आ रहा है ना अब जो स्वैन्स हैं और क्रेन्स हैं क्रेन्स कौन सी जैसे साइबेरियन क्रेन है सो ट्रेकिया इज लॉन्गर देन द नेक एंड ट्रेकियल रिंग्स आर complete and
ऑसिफाइड, कंप्लीट तो ठीक है, ऑसिफाइड टर्म का क्या मीनिंग है फटाक से बताओ, इंग्लिश का वर्ड है ना, साइंटिफिक वर्ड कह लीजिए है ना, कुछ भी कह लीजिए। अब मैमल्स की बारी आती है, मैमल्स के अंदर सेम नहीं रहेगा, ये वेरिएबल होगा है ना, और आप कह सकते हैं कि यूजुअली इनकम्प्लीट होगी, जो रिंग जो हम बोलते हैं ना, ट्रेकिया इन मैमल्स इज वेरिएबल एंड ट्रेकियल रिंग आर यूजुअली इनकम्प्लीट ऑन द अपर साइड, ओके। लेकिन कंप्लीट रिंग किसमें फॉर्म हो रही है पता है, उसका आंसर आपको पता लग गया, मैमल्स के अंदर कैसी है ये भी आपको पता लग गया है ना। अब अगर कोई डाउट है आपका तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट आप लिख सकते हैं, जो रेप्टाइल्स हैं उनको आप क्या कहेंगे, साइलेंट एनिमल, बट उनके पास क्या होगा, लैरिंग्स तो होगा है ना, और लैरिंग्स होगा विदाउट ए वोकल कॉर्ड, जिसके द्वारा वो क्या करेंगे, एक साउंड प्रोड्यूस करेंगे, हिस है ना, हिसिंग साउंड। सो आप कंसेप्ट को इस तरीके से लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, ये कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूं साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन का। रेप्टाइल्स कैसे हैं, साइलेंट एनिमल, साउंड कैसी प्रोड्यूस करेंगे, हिसिंग, HISSING। यहां पे लैरिंग्स कैसा होगा, प्रेजेंट होगा या एब्सेंट, लैरिंग्स यहां पे प्रेजेंट होगा लेकिन विदाउट वोकल कॉर्ड, ओके, वोकल कॉर्ड यहां पे नहीं होगी, इसीलिए ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे लेकिन हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ओके। और अगर बर्ड्स की मैं बात करूं तो बर्ड्स के अंदर लैरिंग्स कैसा होगा, रिडिमेंट्री फ्रॉम देयर रेप्टिलियन एंसेस्टर एंड हेंस इवॉल्व्ड ए सेकेंडरी साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, जिसका नाम क्या था, क्या था भाई, सिरिंग्स। चलिए कंसेप्ट सारे क्लियर हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड है ना, कोई डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, अगर है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स के द्वारा, मैं डेफिनेटली आपके जो डाउट है वो सॉल्व करूंगा है ना। और ये लेसन आपको कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेसन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव एन ऑसम डे।